अब मुजफ्फरपुर से एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में बत्ती गुल हो गई। अंधेरे में बैठे रहे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, ये बहुत बड़ी खबर है। अंधेरे में ही बैठे रहे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पर जिस प्रोग्राम में वो पहुंचे थे, सुरक्षा बल ने मोबाइल से यहाँ पर लाइट दिखाई, तस्वीर सामने आई है, वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे। बिहार के डिप्टी सीएम एक प्रोग्राम यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर बड़ी चूक हुई, उनकी कार्यक्रम में ही लाइट नहीं आई और उसके बाद अंधेरे में डिप्टी सीएम बैठे हुए दिखाई दिए। उसके बाद जो सुरक्षा बल वहां पर थे, मोबाइल की लाइट यहाँ पर जरूर उन्हें दिखाई गई है। तो बिहार में बिजली गुल होने की कई घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन ये तो कार्यक्रम ही डिप्टी सीएम का था, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन खबर क्या है आपको बता देते हैं, बिहार के डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में बिजली चली गई। मुजफ्फरपुर से ये घटना सामने आई है, जहां पर एक कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर बिजली कट गई। अब जानकारी मिल पा रही है कि कार्यक्रम में कई मंत्री और पूर्व मंत्री जी डिप्टी सीएम के साथ मौजूद थे और बिजली जाने के बाद यहाँ पर मोबाइल के फ्लैश लाइट जलाए गए। हालांकि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बिजली आ गई, लेकिन आप बताइए कि बिहार के डिप्टी सीएम जहां पर थे वहां पर बिजली गुल हो गई। यानी कि बिहार के लोग तो बिजली गुल से परेशान थे ही, लेकिन कैसे डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में भी बिजली गुल हो गई, एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति बन गई, जब राम दयालु सिंह कॉलेज सभागार में सूबे के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के कार्यक्रम के दौरान अचानक लाइट कट गई। स्वामी सहजानंद सरस्वती की 75वीं पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, मंत्री केदार गुप्ता, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा समेत कई वीआईपी मेहमान मौजूद थे और तभी अचानक बिजली सप्लाई कट गई, जिसके बाद सभागार में बिल्कुल अंधेरा छा गया। ऐसे में सुरक्षा बल के जवान ने मोबाइल से फ्लैश लाइट जलाकर रोशनी करने का प्रयास किया। हालांकि थोड़ी देर के बाद बिजली सप्लाई दोबारा शुरू हो गई, लेकिन डिप्टी सीएम के प्रोग्राम में बत्ती गुल होने का मुद्दा बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। और बहुत बड़ी खबर आपको बताते हैं, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। गोल्डी बराड़ पर 10 लाख का इनाम घोषित किया गया है। एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम जो है उसका ऐलान किया है। बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ के व्यापारी पर जानलेवा हमला करने का ये पूरा मामला है। गोल्डी बराड़ समेत दो गैंगस्टर्स पर ये इनाम घोषित किया गया है। तो एनआईए ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पर इनाम घोषित कर दिया है, लेकिन कौन सी खबर सामने आई जिसके बाद एक बार फिर से चर्चा में नाम आया गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का, ये पूरी खबर क्या कहती है वो अब आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए, एनआईए ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पर इनाम घोषित कर दिया है। यही वो शक्ल है, यही वो गोल्डी बराड़ है। गोल्डी बराड़ समेत दो गैंगस्टर पर इनाम बाकायदा घोषित हुआ है। खबर यह भी है कि जानलेवा हमला केस में 10 लाख रुपए का इनाम का ऐलान कर दिया गया है। 8 मार्च का वो दिन था जब चंडीगढ़ के व्यापारी पर यह हमला किया गया था और इसी को लेकर गोल्डी बराड़ पर अब इनाम घोषित कर दिया गया है। तो गोल्डी बराड़ पर यह शिकंजा क्यों कसा गया है, पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट देखिए। एजेंसी एनआईए ने कुख्यात और भगोड़े गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। बताया गया कि चंडीगढ़ के सबसे पॉश में रहने वाले कारोबारी कुलदीप सिंह मक्कड़ के घर पर गोलीबारी के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने ये इनाम घोषित किया है। गोल्डी बराड़ गैंग पर आरोप है कि उसके गुर्गों ने बीते 8 मार्च को अवैध वसूली के लिए व्यापारी के घर पर गोलियां चलाई थी। इस मामले में गोल्डी बराड़ के साथ ही एनआईए ने उसके साथी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोल्डी ढिल्लो पर भी 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने व्यापारी से 3 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की थी। इस मामले में पुलिस अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। विदेश में छिपा गोल्डी बराड़ इस वक्त एनआईए के रडार पर है। और उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर एक विवादित बयान यहां पर दिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी की जीप काटने वाले को 25 लाख का इनाम देने की बात यहां पर कही गई है। हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने विवादित बयान दिया है। कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार हैं दिनेश शर्मा, संसद में ओवैसी के नारे से नाराज है दिनेश शर्मा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, असदुद्दीन ओवैसी लगातार अपने बयान को लेकर इस वक्त चर्चा में है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में कहा था जय फिलिस्तीन, जिसके बाद विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये खबर क्या है, इस तरीके का बयान दिनेश शर्मा की तरफ से क्यों दिया गया है? संसद में शपथ के बाद ओवैसी की नारेबाजी पर बवाल हुआ है, विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी पर विवादास्पद बयान उनकी तरफ से दिया गया है। अब ओवैसी की जीभ काट कर लाने पर 25 लाख के इनाम की घोषणा उनकी तरफ से की गई है। ओवैसी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की भी मांग की जा रही है, यानी कि विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये पूरा मामला था और क्या असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा कहा जिसके बाद सियासी संग्राम भी मच गया, एक रिपोर्ट में आप देखिए।
AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर हिंदूवादी नेता ने विवादास्पद बयान दिया है। कृष्ण जन्मभूमि केस में पक्षकार दिनेश शर्मा ने ऐलान किया, जो असदुद्दीन ओवैसी की जीभ काटकर लाएगा उसे वो 25 लाख का इनाम देंगे। सभी सनातन हिंदू भाइयों से, सभी सनातनी हिंदू सिरों से कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारा सनातन हिंदू सिर इसकी जिभ्या को काटेगा, श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से उसको 21 लाख की इनाम दी जाएगी। ओवैसी को लेकर दिनेश शर्मा ने बयान उनके संसद में फिलिस्तीन के लिए लगाए गए नारे से नाराज होकर दिया। दिनेश शर्मा ने कहा कि ओवैसी सनातन विरोधी हैं, देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं और उसकी संसद की सदस्यता तत्काल रद्द कर देनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति की संसद सदस्यता खत्म होनी चाहिए। ये लोग हमारे देश में दंगा भड़काना चाहते हैं। जिस प्रकार से ओवैसी ने कहा है कि जय फिलिस्तीनी, उसने कभी नहीं कहा कि जय हिंद जय भारत, उसने कभी नहीं कहा भारत माता की जय। दिनेश शर्मा ने यह भी कहा, जिस नेता ने कभी भारत माता की जय नहीं बोला अब वो फिलिस्तीन की जय बोल रहा है। और घाटी से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर किए गए हैं। सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें डोडा इलाके में कई दिनों से ये 3 आतंकी छिपे हुए थे। आतंकियों के स्थानीय लोगों ने रहने खाने में मदद भी की थी और कई दिनों से सेना आतंकियों की ये तलाश भी कर रही थी। इस बीच जानकारी मिल पा रही है कि AK-47 समेत भारी संख्या में हैंड ग्रेनेड भी इनसे मिले हैं। डोडा इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए, लेकिन दूसरी तरफ जो जो मददगार सामने आते जा रहे हैं उन पर भी शिकंजा इस वक्त कसा जा रहा है। पूरी खबर क्या है अब आपको समझाते हैं। डोडा में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन अभी भी यहां पर लगातार चल रहा है। स्थानीय लोगों पर आतंकियों की मदद का शक है, उन लोगों को भी यहां पर पहचानने की कोशिश की जा रही है। कल डोडा में 3 आतंकी यहां पर मार गिराए गए थे और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इतना ही नहीं, सुरक्षा बल को कई AK-47 और हैंड ग्रेनेड भी यहां पर मिल गए थे, लेकिन और भी आतंकी यहां हो सकते हैं, इसीलिए तो पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो डोडा में किस तरीके से सुरक्षा बलों को ये बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के जंगलों में छिपे 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। इससे पहले 11 और 12 जून को आतंकियों ने डोडा में हमला किया था, जिसके बाद से सेना CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही थी। बताया गया 3 आतंकी मिट्टी के कच्चे घर में छिपे हुए थे और स्थानीय लोगों ने ही आतंकियों की वहां पर छिपने में मदद की। इतना ही नहीं, उनके रहने और खाने की व्यवस्था भी की गई थी। आतंकियों के मारे जाने के बाद जब उनके ठिकाने की छानबीन की गई तो वहां पर उन्होंने मुठभेड़ से ठीक पहले खाना भी बनाया था और खाया भी था। 3 आतंकियों के बाद सुरक्षा बलों को कई AK-47 गन और हैंड ग्रेनेड भी मिले हैं। आतंकियों ने खुद को सेना से घिरा देखकर सबसे पहले हैंड ग्रेनेड से ही हमला किया था, जिसमें सेना और पुलिस के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हुए।